मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस नए वीडियो में। टुडे दैट इज 14 जून, day 5 of 100 वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड सो लेट्स मूव अहेड। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है। सबसे पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नीट एग्जाम, नाम उसका नीट है, NEET, और ये बहुत बड़ा मुद्दा जैसे मुझे लग ही रहा था बनने वाला है, अब हो ही गया है। इवेंचुअली इट हैज बिकम अ बिग इशू। बहुत शर्म की बात है, इट इज एक्चुअली शेमफुल दैट अगेन इसमें टैक्स पेयर्स मनी इन्वॉल्व है। आप एग्जाम कंडक्ट करते हो, आई थिंक देर आर अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स हु गिव दिस एग्जाम, मेडिकल टेस्ट जो PMT पहले होता था, अब नीट एग्जाम हो रहा है। कितने सारे एस्पिरेशंस है, एंड वी आर बीइंग टोल्ड दैट जो कुछ कुछ सेंटर्स में जो OMR शीट है, मार्कशीट, उस पर खाली OMR शीट ब्लैंक भर के पीपल, मतलब ये मैं एक न्यूज चैनल के हवाले से खबर दे रहा हूँ, दैट पीपल वर आस्क्ड टू पे 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख इन ब्राइब एंड गिव अ ब्लैंक OMR शीट एंड आपको पास करा देंगे। एक स्टूडेंट है जो 12th में 35% या जस्ट पास हुआ था, उसको नीट में 720 में से 710 मार्क्स मिले, ऐसी खबरें आ रही है। सो इट पेन्स अ लॉट। नाउ आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज अ वेरी गुड चांस, द बेस्ट थिंग दे कैन डू टू रीगेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स एज वेल एज द पेरेंट्स, बिकॉज डोंट फर्गेट द पेरेंट्स आर द ऑनरेबल टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। मैं कभी भी किसी मिनिस्टर को ऑनरेबल मिनिस्टर बोलने के पहले मैं हमेशा टैक्स पेयर के आगे ये लगाऊंगा, बिकॉज वी आर ऑनरेबल टैक्स पेयर्स। अगर हम टैक्स भरते हैं जिस देश में, जब तक सब लोग टैक्स नहीं भरेंगे तब तक हम 2 करोड़ ऑनरेबल टैक्स पेयर्स ही रहेंगे। सो द गवर्नमेंट हैज अ वेरी गुड चांस, दे कैन एक्चुअली सैक या फायर दिस एजुकेशन मिनिस्टर। अभी 4 दिन पहले ही तो उनका शपथ ग्रहण हुआ है, तो ज्यादा दुख भी नहीं होगा। इट्स अ न्यू मिनिस्ट्री, इट्स द सेम गाय मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। और क्यों मैं कह रहा हूँ उनको फायर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मीडिया में आके बोला दैट पेपर लीक नहीं हुआ, ही कैटेगोरिकली डिनाइड अ पेपर लीक। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सो सिंस द मैटर इज सब जूडिस उस पर अभी हमारा बात करना बनता भी नहीं है। बट द लीस्ट दिस गवर्नमेंट कैन डू इज सैक पीपल लाइक हिम हु आर नॉट इवन टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इफ यू अग्री विथ मी देन दिस इज गोन टू बी अ बिग इशू। अगेन ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी ये। और आप देख रहे हो सरकार का पहला हफ्ता कैसा रहा है, इट्स गोन टू बी क्रेजी गाइज, इट्स गोन टू बी क्रेजी। नाउ हर मुद्दा बड़ा बनेगा, और ये तो वाकई में दिस इज एक्चुअली अ बिग इशू, मतलब इसमें गवर्नमेंट के अंदर से भी रेजिस्टेंस आ रहा है कि आपने क्या कर दिया। सो व्हाट आई वुड से इज दिस गाय नीड्स टू बी सैक्ड, अदरवाइज अदरवाइज एजुकेशन सिस्टम से जो हमारा भरोसा है वो हो जाएगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और अगर आप चाहते हो हमारा भरोसा ना उठे, एजुकेशन सिस्टम में हमारा भरोसा रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइट, देखिए मैं मानता हूँ दिस इज अ बिग टॉपिक। अब इसमें अगर बात करेंगे तो मेरा वीडियो पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, बट आई थिंक एजुकेशन इन आर कंट्री वैसे भी प्रॉब्लम में है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने निकाल ली, NEP 2020, सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, नो बडी केयर्स अ डैम। मैं आपको बता रहा हूँ किसी को पता भी नहीं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है, बहुत कम लोगों को उसके निटिग्रिटीज पता है। तो भाई वी नीड अ सॉलिड पर्सन एज द एजुकेशन मिनिस्टर, वी डोंट नीड सम पर्सन जो पहले भी 5 साल थे शायद उनके काम को कोविड के वजह से उतना फोकस नहीं आया एजुकेशन पे, बिकॉज एजुकेशन वॉज हाईली कॉम्प्रोमाइज इन द लास्ट 5 ईयर्स बिकॉज ऑफ कोविड। एनी वे लेट्स टॉक अबाउट आर मार्केट्स फर्स्ट। ये नीट जो भी लोग फंसे हैं, मेरा एक ही मतलब प्रेयर है सबके लिए कि भाई जो करना है करो, बट सॉल्व दिस मैटर फर्स्ट। मार्केट्स के बारे में आज अगेन द सेम स्क्रिप्ट प्लेड आउट, मार्केट्स ने फिर लाइफ टाइम हाई लगाया, कोई ना कोई अच्छी खबर आ रही है। एक स्टॉक के बारे में आप लोग ने पूछा था, मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया था, व्हेन इट वाज एट 220 230 सैक्सॉफ्ट, वो 295 टच कर गया। वैसे वी आर नॉट सपोज टू स्पीक स्टॉक स्पेसिफिक एज पर सेबी गाइडलाइंस, जिसको हम मानते हैं, सेबी की सारी गाइडलाइंस सब पे लागू होती है, चाहे वो मैं हूँ या होम मिनिस्टर है या फिनेंस मिनिस्टर है या कोई भी देश का आम नागरिक है, तो हम तो उसको मानेंगे ही मानेंगे। ऑल स्टॉक आइडियाज, म्यूचुअल फंड्स, एनीथिंग डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पजेज, नो बाय सेल रिकमेंड। सैक्सॉफ्ट अच्छी कंपनी है, SIP ग्रेड का है, वो ट्रेडिंग का स्टॉक वैसे भी नहीं था,
लेकिन बिकॉज कन्विक्शन था मेरा कि ये लोग दूसरी कंपनीज को अक्वायर करेंगे. वन ऑफ यू हैड आस्क्ड मी व्हाट आर द फंडामेंटल्स, ये तो पी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलरेडी ऊपर है, बट आपने देखा ना जब स्मॉल कैप्स में रैली आती है दोस्त, तो वो 15-15% एक दिन में चलते हैं और आपके पुराने पाप सब धुल जाएंगे. सो दिस हैपेंस. आप एनुअल, जिसने कमेंट्स में सवाल पूछा था ना अबाउट सैक्सॉफ, मेरा सिंपल लॉजिक यही है. रीड 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 एनुअल रिपोर्ट्स, रीड अ लॉट ऑफ देम एंड मेक श्योर दैट आपको अंदर की जो गतिविधियां हैं कंपनी की वो पता चले. नाउ दिस इज अ गोल्डी लॉक सिनारियो फॉर ग्लोबल मार्केट्स. आई मीन क्रूड ऑयल का प्राइस कम है, बॉन्ड यील्ड्स, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड भी 7% के नीचे गिर रही है. दैट शोज गुड साइंस फॉर इक्विटी मार्केट. जब बॉन्ड मार्केट नीचे गिरता है, बॉन्ड मार्केट जो यूएस का है ना, दैट्स द बेस्ट इंडिकेटर फॉर इक्विटी मार्केट. प्लीज वॉच यूएस बॉन्ड मार्केट प्राइजेस. इनफैक्ट ऑन दिस चैनल, ऑन योर चैनल, वील स्टार्ट ट्रैकिंग मोर ऑफ यूएस बॉन्ड प्राइजेस बिकॉज यूएस का इलेक्शन आ रहा है. तो धीरे 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 आप देखोगे फोकस यूएस के तरफ भी जाएगा, बिकॉज वॉट एवर हैपन्स इन यूएस इट्स गोना इम्पैक्ट द वर्ल्ड, स्पेशली इन द यूएस इक्विटी मार्केट. सो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे आने ही वाला है. तो बॉन्ड यील्ड्स कम है, मार्केट्स एक यूफोरिया में है, बहुत ओवर वैल्यूएशन है, कभी भी गिर सकते हैं टाइप का मार्केट ये बनता जा रहा है, बन ही गया है. बट ओवरऑल दीज आर डिसेंट साइंस फॉर इक्विटी मार्केट्स. अब यहां से बाजार को क्या गिरा सकता है? ट्रिगर, इंडियन लोकल ट्रिगर तो एक ही ट्रिगर है, 26 जून को गवर्नमेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करना है लोकसभा में, 26 तारीख है. अगर उस दिन सरकार ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव कर दिया तो समझो सरकार आपकी बच गई. अगर उस दिन 272 मेंबर्स की वोटिंग में क्रॉस वोटिंग हुई और कुछ भी करके नहीं आया, वोट नहीं पड़ा, अगर इफ एट ऑल ये सरकार पहले महीने में गिरती है, तो आप समझ लो बाजार आपके हाथ से छूटा. अगेन 7% आप वो सेम करेक्शन देख लोगे और इस बार किसी का कोई धांधली या स्कैम नहीं होगा, जो अलेजेडली ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 जून को हुआ था. बाय द वे, नीट एग्जाम के रिजल्ट्स पहले 14 जून यानी आज आने वाले थे. फॉर सम रीजन दे वर प्रीपोन टू 4th of June, जो बहुत गड़बड़ है सिस्टम में, बहुत गड़बड़ अभी भी है गाइस. ऐसा कुछ हंकी डोरी ऐसा कुछ है नहीं कि सिस्टम क्लीन हो गया है. नेक्स्ट न्यूज इज जो हमारे नए एविएशन मिनिस्टर है, ही इज फ्रॉम चंद्रबाबू नायडूज पार्टी और उनका सरनेम भी नायडू ही है. उनका आज मैंने आर्टिकल पढ़ा इकोनॉमिक टाइम्स में, ही गेव अ बिग आर्टिकल दैट ही वांट्स टू अलाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन, दैट एक गरीब से गरीब इंसान भी लोकल फ्लाइट में, इंडिया में लोकल फ्लाइट्स में फ्लाई कर सके. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिग फॉर कंज्यूमर्स, नॉट सो मच फॉर एविएशन इंडस्ट्री, बट इट्स ग्रेट न्यूज. आपने कभी बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली कैलकटा या मुंबई कैलकटा के रेट्स देखे हैं गाइस? फ्लाइट रेट्स, हैव यू सीन द रिटर्न फ्लाइट्स? आई मीन इट इज ऑब्नॉक्शियस, इट इज क्रेजी. 16,000 रिटर्न बॉम्बे दिल्ली स्पेशली, 14,000 रिटर्न मुंबई टू शारजा. रिटर्न फ्लाइट आपको 19,000 में मिल सकती है एयर अरेबिया की, और मुंबई दिल्ली आपको इंडिगो और कुछ भी विस्तारा वगैरह 14,000-15,000. भाई कोविड के टाइम एविएशन का नुकसान हुआ है मैं जानता हूँ, लेकिन कोविड खत्म होके अभी 3-3.5 साल हो गए भाई साहब, अभी तो ये लूट मार बंद करो. आई कैन अंडरस्टैंड इफ यूएस डॉलर उस टाइम 71-72 था, यूएस डॉलर 83 है, तो उससे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के रेट बढ़ रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, बट इंडियन कैरियर्स, बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट जिसकी औकात 6,000 रुपए की, मतलब आई हैव टू यूज दैट वर्ड यार, बॉम्बे दिल्ली रिटर्न फ्लाइट की औकात क्या है? व्हाट इज दी औकात? आप कौन सी सर्विस दे रहे हो 2 घंटे में? 6,000 रिटर्न होना चाहिए, और एक था एक जमाने 6,000-7,000 मैक्स 8,000 रिटर्न. हाउ कैन यू चार्ज पीपल 14,000 फॉर अ बॉम्बे दिल्ली रिटर्न फ्लाइट बॉस? दिस इज एक्सट्रीम लूट मची है. और अभी देखते जाइए ये सब मुद्दे एक एक करके बाहर आएंगे. दिस इज द ब्यूटी विच आई लाइक, द ओनली एडवांटेज ऑफ कोएलिशन इज सरकार को हर मुद्दे पे जवाब देना पड़ता है. और अगर ये मिनिस्टर ने सही किया तो एयरलाइन के रेट्स अगर नीचे गिरे तो आप देखोगे कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी, एंड आई थिंक इट विल बी अ विक्ट्री फॉर द टैक्स पेयर्स अगेन एज वेल.
नेक्स्ट न्यूज, मूविंग ऑन. सऊदी अरेबिया ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की है गाइस. सऊदी अरेबिया ने, उनका एक 70 साल पुराना अग्रीमेंट था, दी अग्रीमेंट विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन. दी अग्रीमेंट वॉज 70 years old, 70. 9 जून को वो अग्रीमेंट एक्सपायर हो गया. उस अग्रीमेंट में बोला गया था कि सऊदी से जो भी ऑयल का, या ग्लोबली जो भी ऑयल का ट्रेड होगा जिसमें सऊदी बहुत बड़ा पार्ट है, वो बाय डिफॉल्ट US डॉलर्स में हो. नाउ द अग्रीमेंट एक्सपायर्ड, इट्स बीन 70, 70 years. यार तो 1954 में अग्रीमेंट साइन हुआ था, 9 जून अब एक्सपायर हो गया. अब सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि हम ये रिन्यू नहीं करेंगे, तुम लोग निकल लो. नाउ सऊदी अरेबिया सेज वी विल बाय एंड सेल ऑयल टू आवर कंट्रीज, जो पहले करते थे, नॉट नेसेसरीली इन US डॉलर्स, बट वी कुड डू इट इन एनी अदर करेंसी लाइक रशियन रूबल, चाइनीज युआन, यूरो युआन, या येन, जापानीज येन. ये 4 मेन करेंसीज है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड होता है, US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, एंड यूरो, जो यूरोपियन कंट्रीज का यूरो है. सो दीज आर द 4 मेन करेंसीज. नाउ लेट मी शो यू, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट अ मिनट. या मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ. अगेन लाइक ऑलवेज थोड़े ना करेंसी, क्योंकि हमने करेंसी अभी अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा आगे जाके, स्पेशली अगर US डॉलर गिरता है गाइस. तो मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा टू टेल यू कि उसका फर्क क्या होने वाला है. लेट्स सी द मेजर करेंसीज इन टूडेज एपिसोड. हाँ, सबसे पहले आप देखिए इंडियन रुपी जो है, 1 रुपी. सो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, 1 US डॉलर टू INR देखते हैं सबसे पहले, है ना. 83.54, दिस इज एट द लोएस्ट इन इट्स करियर. इंडियन रुपी इतना US डॉलर के खिलाफ कभी डेप्रिशिएट नहीं हुआ है जितना अभी है. इफ यू सी इन 2012 इट वॉज 50 रुपीज. कैन यू इमेजिन 2012 में इंडियन 50 इंडियन रुपीज में 1 डॉलर मिलता था, और 1995 में चलो बहुत पीछे हो गया, बट 31 रुपीज था. एंड ये जो लास्ट 2012 से 50 रुपए से जो हम ऊपर चले हैं, माई माइंड ब्लोइंग. इन द लास्ट 12 ईयर्स द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 50 to 83 राइट नाउ, विच इज 64% डाउन. ये ऊपर दिख रहा है क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, बट 64% रुपी डेप्रिशिएट हुआ है. इससे क्या होता है ना गाइस, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जा, मतलब एक्सपोर्ट्स को ज्यादा पेमेंट मिलती है, लेकिन हमारे इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते, इफ इफ एंड ओनली इफ आर इम्पोर्ट्स आर इन US डॉलर्स. तो इससे बचने के लिए इंडिया ने क्या किया है, वी हैव नेवर गॉन फॉर मल्टीलैटरल ट्रीटीज, वी हैव गॉन फॉर बायलैटरल. जैसे हम अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री के साथ डील करते हैं, पहले हम उसको बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट, कि यू टेक पेमेंट इन रुपीज, क्योंकि जितना हम INR को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, वी आर लूजिंग मनी ओनली इन द कन्वर्जन. और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनीज जो मार्केट में लिस्टेड हैं उसका भी स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे अभी होते हुए आपको शायद अगले साल दिखेगा बिकॉज ऑफ व्हाट सऊदी हैज डन. अब सऊदी ने क्या बोला है कि हम डॉलर में नेसेसरी कंपलसरी नहीं है, अब हमारा फ्रीडम है. हम जितना मैं समझता हूँ, सऊदी कैन डील इन येन या यूरोस. और बाय द वे देर इज ऑल्सो टॉक कि हम ब्रिक्स की एक करेंसी बनाएंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए, क्योंकि अभी डॉलर 83 है. जितना US डॉलर नीचे गिरेगा, मतलब जितना इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा, उससे हमारे इम्पोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे. ये बाकी देशों के लिए प्रॉब्लम है कि उनके एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, बट गाइस हम लोग ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन है. हम लोग गोल्ड और ऑयल पागलों की तरह इम्पोर्ट करते हैं. वी आर स्टिल नॉट अ नेट एक्सपोर्टर, वी आर अ नेट इम्पोर्ट कंट्री. एंड अगर हमारे इम्पोर्ट सस्ते हो गए तो ये इकोनॉमी में एक बैलेंस लेके आएगा. एक्सपोर्टर्स भी कुछ ना कुछ तरीके से प्राइस बढ़ा देंगे, कुछ तो एक्सपोर्टर अपने आप को देख लेंगे. लेकिन अगर हमारे इम्पोर्ट कम हुए तो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल भी सस्ता हो जाएगा. इफ डॉलर कम्स बैक टू 72, वही फ्लाइट टिकटें आपको US की जो पहले मिलती थी वो सस्ती मिलेगी. नॉट दैट इट बॉदर्स अ मिडिल क्लास पर्सन,
यूएस में एडुकेशन सस्ती हो जाएगी। ग्लोबली अगर डॉलर कम होता है, ग्लोबली कहीं भी आप जाओगे तो एडुकेशन का जो खर्चा है वो कम होने के आसार हैं। तो ये बहुत फायदेमंद है। जो हम लोग रुपये हमेशा कन्वर्ट करते हैं उसके लिए विल बी एट अ बेनिफिट। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि सऊदी ने ऐसा किया क्यों है, बिकॉज दे आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम, इनफैक्ट द वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम यूएस बीइंग अ सेंट्रल पावर टू सोसाइटी। वो पहले के जैसे प्रोटेक्शनिज्म का जमाना होता था, जो ग्लोबलाइजेशन के पहले था, कि सब अपने अपने एरिया में दो गुंडे पकड़ लो, जैसे रशिया और चाइना, दे विल ड्रैग सऊदी टूवर्ड्स देयर पार्लर, और वहाँ यूएस, फ्रांस, यूके, वो एक साइड में। ये बहुत मेजर डिवाइड है वर्ल्ड ट्रेड में, ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन में यूएस एक लीडर बन के फिरता था कि डॉलर यूज करो। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम ऑलरेडी, इंडिया विल डील विथ वियतनाम, वी कैन पे देम इन INR, बिकॉज मैं आपको तीन करेंसीज दिखाता हूँ वेयर द इंडियन रूपी इज स्ट्रोंगर। फर्स्ट करेंसी INR, टू इंडोनेशियन रुपया। ओके, ये देखिए आपके सामने भाई और बहनों, ये देखिए 1 इंडियन रुपी टू 1 इंडियन रुपी का कॉइन जो आपके पॉकेट में है, दैट इज इक्वल टू 197 इंडोनेशियन रुपया। यस, और रुपी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है वहां। देन दूसरी करेंसी है वियतनाम, वियतनाम डोंग्स, राइट? 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 304 वियतनामी डोंग्स। और एक तीसरी करेंसी है, आप बिलीव नहीं करोगे शायद, ये सब तीन करेंसीज में रुपी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड करेंसी ऑन योर स्क्रीन इज इरानियन रियाल। मतलब आप सोचिए, हम लोग को आदत क्या है, 80 रुपीज भरे, 83 भरे और 1 डॉलर मिला, 89 भरे और 1 यूरो मिला, बट दीज आर करेंसीज वेर द रुपी इज स्ट्रोंगर। ओके, जैसे मैंने यूएस डॉलर दिखाया था, तो 1 1 पाउंड तो INR देख लेते हैं, वो 106 रुपया हो गया। दिस इज माइंड बॉगलिंग है। 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, देखो पिछले 5 साल में इंडियन रुपी अगर किसी के सामने सबसे ज्यादा गिरा है, आई थिंक वो पाउंड ही है। ये देखिए ना, ये 2019 में इट वॉज 88 और अभी सीधा 18 रुपये ऊपर। दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा फन फैक्ट, डेवलप्ड कंट्रीज में स्पेशली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो जापान है, उस अभी तक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान, रुपी इज स्ट्रॉन्गर देन द जापानीज येन। ये देखिए, जापान इज द ओनली मेजर डेवलप्ड कंट्री जिसके सामने हमारा रुपी एकदम सीना तान के खड़ा हो जाता है, और मुझे बहुत खुशी है। 1 रुपी इज इक्वल टू 1.88 जापानीज येन। इसका मतलब है जितना हम इन कंट्रीज के साथ अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं या उनके साथ ज्यादा डील करें, वियतनाम, ईरान, जापान, इंडोनेशिया के साथ तो वैसे भी डीलिंग होती है, थाईलैंड, छोटी छोटी कंट्रीज, कंबोडिया, ये जो फार ईस्ट की कंट्रीज हैं, उतना हमारे करेंसी को वैल्यू अच्छा मिलेगा। और अभी तो वैसे भी, बाय द वे, जापान इज अ ग्रेट कंट्री, बहुत कम लोग वहाँ विजिट करते हैं, लेकिन आई थिंक आपको करना चाहिए। ये देखिए ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज आती हैं गाइस? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड अभी उसमें सऊदी अरेबिया ज्वाइन होने की बात हो रही है। नाउ आई एम रीडिंग एन आर्टिकल फ्रॉम नैसडैक, हाउ वुड अ ब्रिक्स करेंसी अफेक्ट द यूएस डॉलर। ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस साल, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है। अब इलेक्शन का मुद्दा ये वहां भी बनेगा। ब्रिक्स ने क्या बोला है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड सऊदी अरेबिया बोल रहे हैं कि हम अपनी एक अलग करेंसी बना देंगे। अगर ये करेंसी बन के ये 6 कंट्री, जैसे यूरो, यूरो क्या है, पूरे यूरोपियन नेशंस में यूरो चलता है ना? सो वैसे अगर हम ब्रिक्स बनाते हैं और इंडिया, UAE, मिडिल ईस्ट, रशिया, चाइना, अब इसमें एक ही दिक्कत है, इंडिया और चाइना को पहली बार साथ में काम करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। लेकिन फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, भाई यूएस को गिराने के लिए, शायद बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हो सकता है हम दोस्ती तो कभी नहीं करेंगे चाइना से, बट हो सकता है हम फॉर अ टेम्पररी कॉज, रशिया के साथ तो इंडिया हमेशा है, तो रशिया के चक्कर में चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा ग्लोबली एक बफर बनता है रशिया, ऑलवेज। एंड रशिया, फ्रांस, इसराइल, ये वो कंट्रीज है जो अनकंडीशनल सपोर्ट देती है इंडिया।
अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब समझते हो, जो हमारे नायडू और नीतीश ने शायद मोदी साहब को भी नहीं दिया होगा, उनके भी कंडीशंस होंगे। ये तीन चार कंट्रीज ऐसी है जो डिफेंस में, रशिया स्पेशली शुरू से यूएस की तरह नहीं रहा है, इट हैज बीन अनकंडीशनली सपोर्टिंग इंडिया। इसीलिए रशिया ने हमेशा इंडियंस को वहां वेलकम भी किया है। अब तो वो वॉर कर रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट, आई वी डोंट सपोर्ट दैट। तो देखिए ये है कंट्रीज। अभी इसमें सऊदी अरेबिया ऐड हो गया, तो अब क्या होगा, अगर ब्रिक्स की करेंसी आ गई ना, तो उससे सबसे बड़ा डॉलर को हिट होगा। नाउ लुक एट दिस, व्हाई डू द ब्रिक्स नेशन वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू करेंसी? द ब्रिक्स नेशंस हैव अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर वॉन्टिंग टू सेट अप अ न्यू करेंसी। रीसेंट ग्लोबल फाइनेंशियल चैलेंजेस एंड अग्रेसिव यूएस फॉरेन पॉलिसीज ने प्रॉम्प्ट किया है कि सऊदी, सऊदी बहुत बड़ा ब्लॉक है, सऊदी के पास दुनिया भर का ऑयल है, तो अगर वो ब्रिक्स में आ जाता है, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, बाय द ईयर एंड यू सी सऊदी विल ज्वाइन द ब्रिक्स, और फिर वो ब्रिक्स की करेंसी शायद अगले साल 2025 में वो लॉन्च करें, इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। हमको, हमारे से ज्यादा चाइना, ब्राजील, रशिया को फायदा होगा, लेकिन हमारा फायदा ये होगा गाइस कि जितना यूएस डॉलर में ट्रेड कम होगा, उतना यूएस डॉलर का भाव गिरेगा, और इनडायरेक्टली हमको फायदा होगा, हमारे इम्पोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे क्योंकि हम ब्रिक्स में डील करेंगे। तो काफी अच्छा ये टाइम मुझे दिख रहा है, एक ही सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, अदरवाइज फ्रॉम अ मार्केट परस्पेक्टिव इट इज गुड फॉर द कंट्री फॉर श्योर। इंडिया में कोई भी सरकार आ जाए, हमारा ग्रोथ आप रोक नहीं पाएंगे। तो देखिए, व्हेन विल अ ब्रिक्स करेंसी बी रिलीज्ड? देर इज नो डेफिनेट लॉन्च डेट, बट रशिया इसको बहुत पुश कर रहा है वॉर के बाद, बट द कंट्रीज लीडर्स हैव डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग द 14 ब्रिक्स समिट। रशियन प्रेसिडेंट पुटिन सेड दे हैव टू इशू अ न्यू ग्लोबल रिजर्व करेंसी सो दैट हम डॉलर को टक्कर दे पाए। इस वजह से हमें चाहिए एक न्यू ग्लोबल रिजर्व करेंसी, ताकि भाई डॉलर का डोमिनेशन तोड़ोगे तो यूएस की इकोनॉमी भी तो गिरनी चाहिए ना, क्योंकि क्यों आप चाहते हो, आप किसी के गुलाम क्यों बनना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा देखिए, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट रशिया। ओके, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर रिजर्व, फ्रेश वाटर रिजर्व कहाँ पे है? रशिया में। सबसे बड़ा लेक दुनिया का रशिया में है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ स्पेशल मिनरल्स, मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, जो बहुत यूज होता है आपके स्मार्टफोन में, लिथियम के उनके पास बहुत कचरे की तरह रिजर्व्स हैं। अब तक पता भी नहीं है किसी ने, रशिया, रशिया इतनी बड़ी कंट्री है गाइस, पांच टाइम जोन है, पांच अलग अलग कॉन्टिनेंट में वो कंट्री गिरती है, तो आप इमेजिन करो, दे आर लोडेड विथ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड यूरोपियन कंट्रीज को 55% ऑफ नेचुरल गैस सप्लाई कौन करता है? रशिया। इसीलिए तो रशिया इतना आंख में आंख डाल के यूएस को वॉर कर रहा है, जहां मर्जी घुस रहा है, जो कि मिसयूज ऑफ पावर है, बट इट इज द अंडरलाइंग मैसेज वाया यूक्रेन इज दैट अभी यूएस का टाइम खत्म हो गया। अब हर 100 साल में ना रिजीम चेंज होता है। आई थिंक द 18th सेंचुरी वॉज ऑल अबाउट ब्रिटिश, 17th सेंचुरी वॉज ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर 19th सेंचुरी आते आते 19th और 20th आई थिंक यूएस को दिए हमने, और अभी ये 21st सेंचुरी में फाइट हो रही है कि इसमें रशिया और चाइना शायद लीड कर सकते हैं टुगेदर। नो बडी वॉन्ट्स चाइना टू लीड, इवन रशिया एंड चाइना हैव इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो अब देखो, जब ऐसी खबरें आती है ना मार्केट में कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो इंडियन कंपनीज, आर कंपनीज ऑल्सो विद स्टार्ट थिंकिंग, ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि हमको रशिया में हेडक्वार्टर रखना है या नहीं, सऊदी में रखना सेफ है या यूएई में रखना सेफ है, चाइना में तो डेफिनेटली हमारे ऑफिसेज हम नहीं ही रखेंगे, कांट बी शिफ्ट देम टू साउथ अफ्रीका विच इज ऑलवेज बीन फ्रेंडली टू अस, कांट बी शिफ्ट देम टू ब्राजील, ब्राजील हैज ऑलवेज बीन फ्रेंडली टू अस, एंड इंडिया हैज हेल्प ब्राजील ड्यूरिंग कोविड एज वेल, वो फ्री के वैक्सीनेशन हमने क्यों दिए थे, वो बहुत अच्छा कदम था सरकार का, जहां सरकार सही थी वहां सही थी, वो वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी जो किया था गवर्नमेंट ने, दैट वाज अ ब्यूटीफुल वे टू रीच आउट टू द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ यानी सारे अफ्रीकन, अफ्रीकन नेशंस जो बहुत गरीब है, जो बहुत गरीबी के रेखा के नीचे हैं आज भी, वो हमारे ही काम आएंगे, क्योंकि जब ब्रिक्स में अगर एक ग्लोबल साउथ का लीडर चुनने की बारी आएगी, तो वो ऑब्वियसली इंडिया को ही चुनने वाले हैं, बिकॉज बाकी सब बहुत, सऊदी, रशिया, चाइना, उनके अलग अलग मसले हैं, दे हैव गॉट दैट डिफरेंट इश्यूज। नाउ दिस इज ऑल पॉलिटिक्स विच इज गोइंग ऑन।
आज G7 का मीटिंग है इटली में. इटली इज होस्टिंग द G7 समिट एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ G20. बट वेन एवर G7 समिट हैपन्स, अ लॉट ऑफ द G20 नेशंस आर इन्वाइटेड एज अ स्पेशल इन्वाइटी. तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब भी गए हैं इटली में. ही इज बीन अ स्पेशल इन्वाइटी, तो ऑब्वियसली उनको जाना ही पड़ेगा. ही कैन नॉट टेक अ सिक लीव एंड से कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा. वैसे फन फैक्ट, हमेशा जनरल इलेक्शन जब इंडिया में खत्म होते हैं उसके एक हफ्ते बाद इंडिया से एक बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास फ्लाइट इटली जरूर जाती है. वो इस साइड की जाए या उस साइड की जाए, द इटालियन कनेक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस. था खैर, अभी तो वो G7 के मीट में गए हैं. वेरी फ्यू ऑफ यू विल गेट दिस जोक, पन इंटेंडेड, जो कॉन्स्टेंटली पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं. Day 5 of 100 में आज हुआ क्या? ऑल नॉइज नो न्यूज. सब लोगों ने खाली बातें की हैं. और पॉलिटिक्स की लास्ट में अगर बात करनी हो तो महाराष्ट्र में बहुत चीजें एवरी डे डेवलप होती जा रही है. महाराष्ट्र हैज असेंबली इलेक्शन इन अक्टूबर एंड हार्डली 3 months टू गो. सो अभी सब इलेक्शन पार्टीज अपना अपना वर्कआउट करेंगे, क्योंकि 3 महीने तो उनको चाहिए ना प्रचार करने के लिए, तो 2-3 महीने चाहिए ही चाहिए. उनको बहुत काम करना है. सो अब इस रूलिंग पार्टी का लिटमस टेस्ट होगा महाराष्ट्र इलेक्शन, झारखंड इलेक्शंस एंड हरियाणा. महाराष्ट्र एंड हरियाणा और फार्मर हैवी, तो अब आप देखोगे फार्मर्स के लिए और बहुत सारी चीजें आएंगी बाहर. आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इटली में है, तो अभी कुछ खबर इतनी आई नहीं है, बट फ्रॉम अ पोलिटिकल एंगल यही सुनने में आ रहा है दैट स्पीकर ऑफ द हाउस कौन होगा. अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है. हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से खबर आई है दैट 22 जुलाई लुक्स लाइक द बजट डे, कि बजट प्रेजेंट होगा 22 जुलाई को. एंड विल कीप यू पोस्टेड. हमारी तो उनसे सीधी सीधी तकरार है कि प्लीज रिमूव LTCG, मार्केट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. स्पीकिंग ऑफ द मार्केट्स, आई सी दिस ईयर मार्केट्स कैन गिव यू अ वेरी नेगेटिव सरप्राइज ऑन द डाउन साइड. एक गलत ट्रिगर अगर यहाँ से आ गया, जैसे 4 जून को आया था, तो बाजार धड़ाम से गिर सकता है. पहले हमें पढ़ाओ 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 करके क्रॉस करना है. जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में 10,000, फिर 3 लाख, फिर 1 करोड़ करते थे, वैसे सेम वे द फर्स्ट हर्डल टू क्रॉस इज 26 जून. लेट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड देन वी कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ. जब तक वो नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मोशन जो भी है वो जब तक पारित नहीं होता है, तब तक ये मान के मत चलिए कि सरकार बन गई. क्योंकि एवरी डे एज वी स्पीक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आसपास निगोसिएशंस हो रहे हैं, हेक्टिक मीटिंग्स हो रही है, पीपल आर ट्राइंग टू गेट देम हियर. आज भी ऑपोजिशन वालों ने, इंडिया ब्लॉक ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने, उनका कॉन्फिडेंस देखो, माय गॉड, ओवर कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से डेडली है वैसे. बट उनका स्टेटमेंट आया कि हम जब चाहें ये सरकार गिरा दें, जब चाहे. थैंकफुली मंडे मार्केट्स बंद है, तो सैटरडे संडे मंडे इट्स अ लॉन्ग वीकेंड फॉर द मार्केट्स, विच आई एम श्योर ट्रेडर्स डोंट अप्रिशिएट, दे डोंट लाइक इट. तो फोकस आपको कहाँ करना है ट्यूसडे से? एनी स्टॉक और एनी सेट ऑफ स्टॉक्स विच हैव गॉट गवर्नमेंट लिंकेजेस, पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर चल रहे होंगे. अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ बियॉन्ड बिटवीन नाउ एंड 26 जून, तो एक ट्रिगर चाहिए आपको. जैसे पावर ग्रिड अभी वापस आ गया ऊपर, लेकिन जब वो गिरा था तो 280 तक गिरा था, यानी 12-15% एक झटके में गिर गया था पावर ग्रिड जैसा स्टॉक. क्योंकि देर वॉज अ लॉट ऑफ, मतलब 4 जून की बात कर रहा हूँ मैं, और वो गिरते ही गया गिरते ही गया. उसने एग्जिट दे दिया बहुत सारे लोगों को जो शॉर्ट करके बैठे थे. सो एज इट इज गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से आप शुगर स्टॉक कोई ले लेगा, या अच्छा सरकार अच्छी ये होने वाली है तो पावर स्टॉक ले लेंगे. अभी वो टाइम फिलहाल का तो मुझे तो नहीं लगता. यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट आई एम लुकिंग मोर इनटू टूरिज्म सेक्टर. आज देखो इंडियन होटल्स, मैंने तो बीच में एक शॉर्ट बनाया था, मुझे लग रहा था ये सेल ऑन राइज है, मुझे अभी भी लगता है ये आज काफी चढ़ गया है, बट ये टिकाऊ चढ़ान नहीं लगती है. बिकॉज होटल सेक्टर में क्या है, अभी मॉनसून सीजन आने वाला है. मॉनसून में आई डोंट थिंक पीपल, वेकेशन खत्म हो गई है, सब बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं जुलाई से. तो जैसे जैसे अपना जुलाई नजदीक आएगा, वैसे भी होटल्स के सेल्स पे फर्क तो पड़ता ही है. इट्स ओनली कॉर्पोरेट सेल्स, लग्जरी ट्रैवल टूरिज्म
इनका मौका फिर वापस वो गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाएगा, जब न्यू सीजन फ्रेश फेस्टिव सीजन शुरू होगा तब फिर ट्रैवल के थोड़े थोड़े प्लान्स बनने लगते हैं। बट इस गिरावट में अगर बॉटम फिशिंग करना है, बॉटम पकड़ना ही है, सो अपने को ट्रैवल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, रूरल रूरल में रूरल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है। एनीथिंग टू डू विच इज बेनिफिटिंग फार्मर्स या बेनिफिटिंग एग्रोकेमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये उनका जमाना है। अभी मॉनसून सीजन आया तो आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो देखने ही चाहिए, बिकॉज एक अच्छा हार्वेस्ट होता है, खेतों में पानी पड़ रहा है, कैचमेंट एरियाज में। इस बार मॉनसून डिपार्टमेंट, जो मेट डिपार्टमेंट का प्रिडिक्शन है, 106% वर्षा होगी, मतलब जो हमेशा होती है उससे ज्यादा होगी। सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज सेक्टर्स एंड कंजम्पशन एंड क्रेडिट, यानी बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हो गए। जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पज आई एम सेल टेलिंग यू, कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स अभी अगर गिरे भी तो वहां से वो जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आता है वो ज्यादा पिकअप कर सकते। और गिरावट अभी कहाँ आ सकती है, द मोमेंट मॉनसून अराइव्स वी हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल। एंड यू कैन लुक एट ये एसी कंपनीज का, जो मैंने नहीं फेब्रवरी में आपको कहा था, मार्च में, कि वो टाइम था वो बाय करने का, गर्मी आ रही थी, रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव हुआ है इंडिया में, सारे एसी कंपनीज ने छप्पर फाड़ के माल बेचा है। लेकिन अभी वी आर बैक टू द मॉनसून्स, मॉनसून्स में एसी का बाइंग, चलो कंजम्पशन हो सकता है बट वो तो पावर कंजम्पशन होगा ना। आई डोंट थिंक बारिश के सीजन में जाके कोई एसी खरीदने वाला है। सो साइक्लिकलिटी है, आपको साइकिल्स समझ के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस देख के बाय सेल करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो जुलाई क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे एसी कंपनीज के, वो अप्रैल मई और जून के सेल्स है, वो तो अच्छे ही होंगे, बट बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जुलाई के क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद वो स्टॉक चले, ऑलरेडी चल चुके हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। जब मैं देखता हूँ अभी मार्केट में, वो काफी चल चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी रन अप अ लॉट। एक बेस केस मैंने दिया था फॉर एडुकेशन पर्पज, इंडियन होटल्स, भाई 65 रुपीज की चीज थी वो भी 10 गुना चल गई यार। होटल ने पैसा बहुत छापा है कोविड के बाद, लेकिन 10 गुना चल गया ना स्टॉक भी, तो आपका पीई रेशियो भी तो ऊपर हो गया। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी स्केप्टिकल, एंड मेरे को लगता है यहाँ से अगले 6 महीने, दिस ईयर, इफ इट्स अ ट्रेडर, योर टास्क इज कट आउट बॉस, आपको बहुत मेहनत करके, मशक्कत करके ट्रेड करना पड़ेगा। एसआईपी वालों का तो कोई जमाना नहीं, हर जमाना हमारे ही है ना। एसआईपी करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, मजे करो यार। चलो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।